सरकार किसानों को दिवाली से पहले देगी धान खरीदी का करीब 2100 करोड़ रुपए बोनस, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। समीक्षा बैठक में लोक निर्माण मंत्री ने कहा, किसानों की फसल बचाना और हर संभव मदद करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के प्रकोप को देखते हुए सभी प्रमुख अस्पतालों में बनाए गए अलग वार्ड। और अपने चरम पर पहुंचा गणेश उत्सव का उल्लास, सांस्कृतिक और भक्ति संगीत के कार्यक्रमों में डूबे श्रद्धालु। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने किसानों को दिवाली से पहले करीब 2100 करोड़ रुपए का बोनस देने का ऐलान किया है। वहीं इस वर्ष सूखा प्रभावित किसानों को बोनस के साथ बीमा राशि का भुगतान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश के करीब 13 लाख किसानों को पिछले साल की धान खरीदी का बोनस दिया जाएगा। कि छत्तीसगढ़ के 40-50 से ज्यादा अलग अलग विकास खंड में सूखे की स्थिति है और बहुत बड़े हिस्से में वर्षा की वजह से पेयजल का भी संकट होगा, किसानों की भी हालत ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने तत्काल निर्देशित किया और कहा कि पिछले साल का जो बोनस है दिवाली के पहले 13 लाख से ज्यादा किसानों का 2100 करोड़ की राशि आप इस साल दिवाली के पहले बांट दें और इस साल का जो धान उत्पादन हो रहा है उसका बोनस अगले साल विकास यात्रा के पहले हम विकास यात्रा में बांट देंगे। तो एक प्रकार से अकाल से पीड़ित छत्तीसगढ़ के उन किसानों के बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो संवेदना दिखाई है, त्वरित निर्णय लेकर आदेशित किया सरकार को, मुख्यमंत्री मुझे कहा कि उनको दिया जाए, तो ये निर्णय के लिए मैं आज यहाँ के विधायक गणों के साथ, सांसद गणों के साथ वो शेयर करने के उनको बुलाया था कि जो मांग यहाँ के लाखों किसानों की थी उनको मांग को प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन की अगुवाई में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री से इस संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। इसके बाद पार्टी की बैठक में भी सभी विधायकों और पदाधिकारियों के साथ किसानों की स्थिति को लेकर विचार किया गया। इसके पश्चात किसानों को पिछले वर्ष और इस वर्ष का बोनस देने का निर्णय लिया गया। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री विष्णुदेव साय और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस बीच प्रदेश के विभिन्न इलाकों में सूखे के हालात को देखते हुए राज्य सरकार लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही है। इसी कड़ी में लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत ने दुर्ग में अधिकारियों की बैठक लेकर फसलों के मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों की फसल को बचाना और उन्हें हर संभव मदद उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस संबंध में दुर्ग कलेक्टर उमेश अग्रवाल ने बताया कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जिले के अधिकारी लगातार दौरा कर रहे हैं। इस दौरान किसानों को उनकी मौजूदा फसल की सुरक्षा के साथ साथ वैकल्पिक फसलों के बारे में भी बताया जा रहा है। क्योंकि शुरू में जो फसल पानी हमारे कम गिरा है तो शुरू में फसल की स्थिति थोड़ा सा खराब थी, लेकिन पानी गिरने से सुधार हुई। तभी दोबारा निर्देश ये हुए हैं कि आकलन साथ साथ करें, साथ ही किसानों को फसल कैसे बचाई जाए ये भी समझाइश दें। साथ ही फसल के साथ साथ आगामी अल्प वर्षा कारण आगामी समय जो समस्या आ सकती है, चाहे पेयजल की हो, चाहे चारे की हो या रोजगार की हो, इसके बारे में एक गांव स्तर में बैठ के कार्ययोजना बनाने और उसमें कामल करने के निर्देश दिए। वहीं जिले के किसानों का कहना है कि इस बार अल्प वर्षा के कारण फसल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। राहत की उम्मीद रख रहे हैं किसान लोग, राहत देना चाहिए। तो राहत का अब
अब पानी जो गिरा है उससे कोई फसल हो जाए ऐसा उम्मीद नहीं है। हाँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपन 10% 15% फसल हो जाए तो हो जाए, नहीं तो अगर पानी नहीं गिरेगा इस वक्त, इसके बाद पानी नहीं गिरेगा तो 10% भी नहीं हो पाएगा। मैं हमारे एरिया में थरौद, बीरेझर, चंगोरी, बीरेझर भाटा, उधर राजगढ़ जिला में चला तो धीरी, सागरा, इधर देवादा है, अजोरा है, ये सब बहुत स्थिति खराब है। क्या स्थिति बनी हुई है अभी? स्थिति बहुत खराब स्थिति बनी हुई है, पानी नहीं होने कारण, क्यों जब से हम धान बोए हैं तब से पानी की कोई भी नहीं, अभी ये 2 दिन हुआ पानी गिरे, वो धान हमारा संभाल नहीं पाएगा, क्यों एक तो जमीन बहुत सूखी हो चुकी थी, दरारें आ चुकी थी, तब पानी यानी वो धूप निकलेगी पानी 2-3 दिन में फिर खत्म हो जाएगा। राज्य में अल्प वर्षा की स्थिति को देखते हुए सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को प्रभावित किसानों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से पिछले 1 महीने में 5 मरीजों की मौत के बाद सभी प्रमुख अस्पतालों में इसके लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं। बिलासपुर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन SS वाजपेयी ने बताया कि जिले में अब तक स्वाइन फ्लू से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। बिलासपुर में 2 पेशेंट डिटेक्ट हुए हैं, शायद दोनों की डेथ हो चुकी है अपोलो में। अभी तक हमारे यहाँ स्वाइन फ्लू के कोई पेशेंट आए नहीं है, डिटेक्ट नहीं हुए। वहीं बिलासपुर अपोलो अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर मनोज राय ने बताया कि संक्रमण से प्रभावित होने वाले मरीजों को ज्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है। प्रेग्नेंट मदर्स हैं, माताएं हैं, और कुछ व्यक्ति जो कि ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, जैसे कि किडनी डिजीज है या उनको डायबिटीज है, फेफड़े की बीमारियां है, लिवर की संक्रमण, तो जिनका अपना नैसर्गिक जो प्रतिरोधक क्षमता रहती है वो अगर किसी भी कारणों से बीमारियों से कमजोर है उनको ज्यादा सीवियर संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, तो उन लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। इस बीच प्रदेश में लोगों को स्वाइन फ्लू से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। बिलासपुर शहर के पुराने बस स्टैंड इलाके में स्थित थोक कपड़ा बाजार में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। बाजार की एक 3 मंजिला दुकान और गोदाम में आग लगने से वहां रखे कपड़े पूरी तरह जलकर राख हो गए। दमकल कर्मचारियों ने करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक कपड़ा व्यापारियों का काफी नुकसान हो चुका था। दुर्ग और बेमेतरा जिलों की गौशालाओं में दर्जनों गायों की मौत के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने विभिन्न जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया। इस मौके पर युवा जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विनोद तिवारी ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में गायों की मौत से गौशालाओं की अव्यवस्था उजागर हुई है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक AN उपाध्याय और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने दंतेवाड़ा के विभिन्न स्कूलों का भ्रमण किया। ये सभी पुलिस अधिकारी हारम गांव की प्राथमिक शाला में आयोजित बाल संसद में भी शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों ने बच्चों से विभिन्न विषयों पर अनौपचारिक चर्चा भी की। पूर्वी तट रेलवे जोन के महाप्रबंधक उमेश सिंह और वॉल्टेयर रेल मंडल के प्रबंधक मुकुल शरण माथुर ने जगदलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इन दोनों अधिकारियों ने स्थानीय रेल अधिकारियों से स्टेशन परिसर की साफ सफाई के लिए समुचित व्यवस्था करने को कहा। अधिकारियों ने बस्तर में माओवादी गतिविधियों के कारण जगदलपुर रेलवे स्टेशन और रेल मार्ग की पर्याप्त सुरक्षा के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए। कोरबा रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी में विस्फोटक होने की सूचना से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। रेलवे सुरक्षा के सहायक आयुक्त SK दास ने बताया कि पुलिस के अनुसार इस विस्फोटक को संभवतः सेना के ठिकाने से चुराया गया था। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञों की मदद से इस विस्फोटक को निष्क्रिय कर दिया गया है। नागपुर मुंबई के दुरंतो एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने और मुंबई में जल भराव के कारण विभिन्न गाड़ियों का परिचालन प्रभावित हुआ है। इन दोनों घटनाओं के कारण 5 एक्सप्रेस गाड़ियां 29 और 30 अगस्त को रद्द कर दी गई हैं, वहीं 10 से अधिक अन्य एक्सप्रेस और लोकल गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से संचालित किया गया। स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त R प्रसन्न और कलेक्टर OP चौधरी ने रायपुर के पंडरी में बन रहे नए जिला अस्पताल का अवलोकन किया। स्वास्थ्य आयुक्त ने विभागीय अधिकारियों को अस्पताल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही अस्पताल के आसपास नियमित रूप से साफ सफाई करने को भी कहा। रायपुर की उर्दू कन्याशाला में छात्र संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री केदार कश्यप शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों से उच्च शिक्षा ग्रहण करने की अपील की। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मिर्जा एजाज बेग ने भी छात्रों को संबोधित किया।
कोरिया जिले के कलेक्टर नरेंद्र कुमार दुग्गा ने शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत मेहदोली के विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय प्राथमिक शाला में बच्चों के साथ बैठकर मध्याह्न भोजन भी किया। कलेक्टर ने सभी स्कूलों के प्रधान पाठकों से वहां चल रहे अध्यापन कार्य की जानकारी प्राप्त की। बस्तर अंचल में नवाखाई का पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कांकेर जिले में आदिवासी समुदाय के लोगों ने अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने नई फसल से बने प्रसाद का भोग लगाया। आदिवासी समुदाय में ऐसी मान्यता है कि इष्ट देवी देवताओं को भोग लगाने के बाद ही नई फसल का उपयोग दैनिक खान पान में किया जा सकता है। आइए अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए राजनांदगांव के शासकीय ठाकुर प्यारेलाल विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस विज्ञान मेले में राजनांदगांव के अलावा बालोद और बेमेतरा जिले के विद्यार्थियों ने भी अपने मॉडल प्रदर्शित किए हैं। इस संबंध में राजनांदगांव के जिला शिक्षा अधिकारी एसके भारद्वाज ने बताया कि इस विज्ञान मेले में छात्रों को मॉडल के जरिए विभिन्न सिद्धांतों की जानकारी दी जा रही है। को सिखाया जाएगा कैसे मॉडल बनाते हैं, कम खर्चे में मॉडल कैसे बनाते हैं, अनुपयोगी चीजों से मॉडल कैसे बनाते हैं और खेल खेल में कैसे विज्ञान को उन्हें सिखाया जा सकता है, ये सब एक्टिविटीज उसमें शामिल हैं। और इस जिले में 3 जिले के बच्चे आए हुए हैं। इस विज्ञान मेले के आधार पर श्रेष्ठ विद्यार्थियों को राज्य स्तरीय विज्ञान मेले के लिए चुना जाएगा। प्रदेश में इन दिनों गणेश उत्सव का उल्लास अपने चरम पर है। रायपुर सहित विभिन्न स्थानों पर आकर्षक पंडालों में विघ्न विनाशक की अलग अलग मुद्राओं वाली प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। गणेश उत्सव समितियों द्वारा हर दिन सांस्कृतिक और भक्ति संगीत के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर स्थित आकाशवाणी आवासीय परिसर में भी गणेश उत्सव पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश की सुप्रसिद्ध लोक गायिका ममता चंद्राकर ने भी अपनी प्रस्तुति दी। दस दिनों तक चलने वाले गणेश पर्व का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार किसानों को दिवाली से पहले देगी धान खरीदी का करीब 2100 करोड़ रुपए बोनस, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। समीक्षा बैठक में लोक निर्माण मंत्री ने कहा, किसानों की फसल बचाना और हर संभव मदद करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के प्रकोप को देखते हुए सभी प्रमुख अस्पतालों में बनाए गए अलग वार्ड। और अपने चरम पर पहुंचा गणेश उत्सव का उल्लास, सांस्कृतिक और भक्ति संगीत के कार्यक्रमों में डूबे श्रद्धालु। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।